कि आप कैसे अपनी YouTube चैनल का जो वेरिफिकेशन है वो कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। जहां पर अगर आप अपना जो YouTube चैनल है उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट करोगे तो आपको ये जो है फायदे मिलेंगे। जहां पर पहले तो आप जो है 15 मिनट की ऊपर की जो वीडियोस है वो आप अपलोड कर पाओगे, उसके बाद फिर कस्टम थंबनेल आपका जो है ऑन हो जाएगा, कवर फोटो जो होता है सामने आपको फ्रंट पे दिखता है, फिर यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग आपका जो है अनेबल हो जाएगा। जहां पर इसका एक और क्राइटेरिया है कि आपका 1K सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर कंप्लीट होना चाहिए। फिर यहाँ पर अपील कंटेंट आईडी क्लेम, यानी कि आपका जो कंटेंट है अगर किसी ने यूज किया है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं कि ये जो है मेरा कंटेंट है, ये मेरी वीडियो है। तो यहाँ पर इतना सब आपको जो है फायदा मिलता है अगर आप अपना जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। तो वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट किया जाता है वो आज की इस वीडियो में आपको सीखने मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर जो है उसे ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करके न्यू टैब ले लेते हैं। न्यू टैब लेकर यहाँ पर आपको सर्च करना है, याद रखिए सर्च करना है youtube.com youtube.com सर्च कर आपको इसे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस चलाएगा जहां पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देंगे। डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस चलाएगा जहां पर आपको, मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। तो ये आ गए हम लैंडस्केप मोड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपने यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएटर स्टूडियो में। क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा क्रिएटर स्टूडियो का, जहां पर आपको ये जो दिख रहा है ये ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक, इसके ऊपर आपको क्या करना है स्क्रोल डाउन करना है, स्क्रोल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस सेटिंग के ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको क्लिक करना है चैनल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको क्लिक कर देना होगा फीचर एलिजिबिलिटी पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कुछ ऐसा दिखेगा, फीचर डेट रिक्वायर्स फोन वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर से आप जो है फोन वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो फोन वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो तीर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तीर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा खुलेगा, तीर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा खुलेगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा वेरीफाई फोन नंबर, तो इस वेरीफाई फोन नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा क्रोम ब्राउजर पर आपको वापस क्लिक कर देना होगा। क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू टैब खुलेगा जहां पर आपको बोलेगा कि टैक्स के जरिए आपको जो है वेरिफिकेशन कोड चाहिए या कॉल के जरिए। अब ये आपकी मर्जी है, आपको टैक्स के जरिए चाहिए या कॉल के जरिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना पहले तो इंडिया यहाँ सिलेक्टेड है, पहले से यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल देना है जिस फोन नंबर से आपको जो अकाउंट है वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करके अपना जो है फोन नंबर डालना है। तो फोन नंबर डाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमने अपना जो है, यहाँ पर हमने जो है अपना फोन नंबर डाल दिया है। फोन नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम करेंगे गेट कोड पर, जहां पर हमने टेक्स्ट मैसेज जो है उस पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो गेट कोड पर क्लिक किया। गेट कोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे फोन नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को मुझे इसमें डालना होगा। और रही बात कोड की, तो उस कोड को आपको किसी के साथ जो है शेयर नहीं करना है। तो मैसेज जो आ चुका है, अब मैं एक कोड डाल देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना जो कोड है वो डाल दिया है। कोड डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जो फोन नंबर आया था उस पर ही कोड आएगा, तो आपको आपके साथ वो जो फोन नंबर होना चाहिए। तो कोड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो कम्प्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर फोन नंबर हैज नाउ बीन वेरीफाइड। तो आपका इस तरीके से फोन नंबर जो है वेरिफिकेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपका जो है 15 मिनट के ऊपर आप जो है वीडियो अपलोड कर पाओगे अपने YouTube चैनल पर, साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग जो